अब यहाँ पे इस वाले कलर पे ये वाला स्टिकर आपका चेंज है, एप्रिलिया रेसिंग आरएस इग्निशन के साथ ये वाला अपना एलईडी डीआरएल वाला पार्ट ऑन है, लुक काफ़ी अच्छा निकल के आता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है ऑल न्यू एप्रिलिया आरएस 457 के बारे में, बाइक के बारे में ना सब कुछ इन डिटेल आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस, लेटेस्ट ऑन रोड प्राइसिंग, कलर ऑप्शंस अभी के लिए सारे ही अपने पास अवेलेबल हैं, और क्यों आरएस 457 एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन आप लोगों के लिए हो जाता है, सब कुछ इन डिटेल बात करेंगे वीडियो में। एंड तक बने रहना अगर बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर इस प्राइस पॉइंट पे, या फिर इस कैटेगरी में बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अच्छा लगे इन्फॉर्मेशन तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी ज़रूर से कर देना है। तो पहले तो ये रही अपनी बाइक, तीनों ही कलर ऑप्शन जो अवेलेबल रहते हैं, यानी कि तीन कलर ऑप्शन में आरएस 457 अवेलेबल रहता है, 1, 2 एंड 3, ये रहे अपने पास तीनों ही कलर ऑप्शन। अब वीडियो के स्टार्ट में ही एक कमेंट की रिक्वायरमेंट, कलर ऑप्शन आप लोगों को कौन सा पसंद है वो कमेंट करके ज़रूर से मेंशन करना है। ये वाला पर्टिकुलर जहाँ पे वाइट रेड एक प्रॉपर मैट ब्लैक वाला सेटअप ये रहता है, प्लस फिर आ जाता है अपना जो एक सिल्वर या फिर ऑफ वाइट वाला एक टोन आ जाता है। स्टिकरिंग इस पर्टिकुलर कलर में थोड़ा सा मिनिमम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन और इस वाले के। एंड लास्ट अपना जो आज के वीडियो में लोग बाइक कवर करने वाले हैं, ये एक थोड़ा सा कमेलियन टाइप, यहाँ पे अलग अलग शेड अपने को मिल जाते हैं, ये वाला कलर आपका पसंदीदा कलर रहने वाला है। सो 1, 2 एंड 3 जल्दी से कमेंट कर देना है वीडियो यहीं पर पॉज करके। तो स्टार्ट करते हैं, कलर ऑप्शन अपने लोगों को मिल ही चुके हैं, प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो ऑन रोड जयपुर की आपकी प्राइस रहेगी आरएस 457 5.12, 512,000 ऑन रोड जयपुर। एक्स शोरूम प्राइस की बात करते हैं तो एक्स शोरूम आपका रहेगा 412,000 4.12 और ऑन रोड है 5.12। सो अब देख लेते हैं क्या कुछ इस प्राइस पॉइंट पर आपको सेटअप बाइक ओवरऑल ऑफर करता है 512,000 में। और हाँ, यहाँ पर कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्राइसिंग में चेंज नहीं है, सभी कलर के सेम ही आपका प्राइसिंग रहने वाला है। तो ये अपनी प्राइस डिटेल भी कंप्लीट, कलर ऑप्शंस भी कंप्लीट। अब देख लेते हैं बाइक में क्या कुछ अपने को मिल जाने वाला है। देख तो जो बाइक का जो फ्रंट से लुक है ना, स्टैंड जो प्रॉपर बनता है, वो एक प्रॉपर आपको सुपर बाइक वाला फील यहाँ पे आएगा। राइड रिव्यू बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाने वाला है अपने चैनल पे, यहाँ पे डेमो भी अवेलेबल है जो कि वो रहा। तो राइड रिव्यू बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए आरएस 457 का अपने चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना है। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो फ्रंट में यहाँ जाता आपका क्लियर में वाइज़र, जो कि आपका क्लियर प्रॉपर रहेगा, ये टिंटेड नहीं है। स्टिकरिंग कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज रहेगा इस पर्टिकुलर कलर ऑप्शन में, यहाँ पर रेड और ब्लैक वाला यूज़ है। एप्रिलिया की प्रॉपर मार्किंग है, रियर व्यू मिरर कुछ इस टाइप से, जो कि अभी के लिए प्रॉपर अपना ना फोल्डेड पोजीशन पे है। यहाँ पे ये एक कह सकते हैं एयर वेंट्स भी आ जाता है, जो कि हाई स्पीड स्टेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। एलईडी में ओवरऑल लाइटिंग सेटअप है, अभी ऑन करके जिस बाइक में बैटरी कनेक्टेड है ना, मैं आप लोगों को सारा सेटअप एमआईडी के साथ और लाइटिंग के साथ एग्जॉस्ट नोट के साथ दिखा देने वाला हूँ वीडियो में आगे चल के। तो ये आपका प्रॉपर एलईडी डीआरएल वाला पार्ट रहेगा, स्प्लिट में हेडलैम्प है, प्लस यहाँ भी एक आपका हेडलैम्प वाला पार्ट आ जाता है, नंबर प्लेट होल्डर रेगुलर जगह पर ही है। फ्रंट मटगार्ड कुछ इस टाइप से है, ये आपको तीनों ही कलर ऑप्शन में सेम इसी टाइप का मैट ब्लैक ही रहने वाला है। देख रहे हो वहाँ भी मैट ब्लैक ही है, स्टिकर यहाँ आ जाता है ये हैशटैग बी रेसर वाला। तो कुछ इस टाइप से एक शॉर्ट मटगार्ड जो कि बाइक का कैटेगरी है, उसी टाइप का यहाँ पे फ्रंट मटगार्ड मिल जाता है। सस्पेंशन सेटअप देख रहे हो तो इसका थिकनेस देख रहे हो काफ़ी अच्छा ये थिकनेस है, 120mm का ये ट्रेवल है और 41mm का अपसाइड डाउन सस्पेंशन यहाँ पर मिल जाने वाला है। ब्रेकिंग जिस अकॉर्डिंग बाइक में पावर है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ब्रेकिंग सेटअप भी मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, उसके भी तीन आपको मोड्स मिल जाते हैं, तीन यहाँ पे राइडिंग मोड्स भी हैं। वाइब्री ब्रेकिंग है फ्रंट में, अभी रियर में भी चेक करते हैं, वैसे रियर में भी ना वाइब्री ही है, तो फ्रंट भी वाइब्री है, रियर भी वाइब्री है। फ्रंट डिस्क का जो साइज़ है ये है अपना 320mm, 320mm का फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाता है। यूरो ग्रिप का यहाँ पे टायर है, टायर की ग्रेडिंग फ्रंट की है जी 110/70 ZR17, तो रेडियल टायर यहाँ पे फ्रंट भी और रियर भी आपका रहेगा। 110 सेक्शन 110 सेक्शन का टायर आपका फ्रंट है। इस टाइप से कुछ टायर का पैटर्न यहाँ से इस वाले कलर में भी देख सकते हो, और ये कलर आपका फ्रंट लुक ये रहा। अब यहाँ पे देख रहे हो रेड और ब्लू वाला यूज़ फ्रंट हेड में मिल जाता है, वहाँ भी मैट ब्लैक और रेड वाला है सेम इस वाले की तरह ही। तो ये अपना फ्रंट लुक मेजरली कंप्लीट हो जाता है। पहले अपन लोग रियर टायर और ब्रेकिंग सेटअप देख लेते हैं, टायर का पैटर्न ये रहा, एक टायर हगर मिल जाता है, प्लस रियर सस्पेंशन है अपना मोनोशॉक, थोड़ा सा ये हॉरिजॉन्टल है, जबकि अगर आपकी सीट हाइट जो है वो इसकी वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है इस तरह से प्लेसिंग के साथ। मल्टीपल वेट जस्ट इसको कर ही सकते हैं। वाइब्री ब्रेकिंग रियर में भी है,
220 mm डिस्क रियर में मिलता है, 220 mm डिस्क वही सेम आपका यूरोग्रिप, और ये आपका टायर का सीरीज़ है प्रोटॉर्क एक्सट्रीम HR, ये आपका टायर का सीरीज़ है। रियर टायर की ग्रेडिंग है 150/60 ZR 17 150/110, ये आपका टायर वाला सेटअप भी कंप्लीट डन। साइड प्रोफाइल कवर करते हैं तो सीट कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे काउल भी आपको पार्ट ऑफ एसेसरीज कंपनी से ही शोरूम से ही मिल जाएगा, तो काउल भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। इस टाइप से कुछ स्प्लिट में सीट है, कुछ नहीं कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा ये हार्ड है। स्प्लिट में ये ग्रीबरेल वाला पार्ट आ जाता है, टेल सेक्शन, लाइटिंग कुछ इस टाइप से, ये एक एम टाइप यहाँ पे सारा सेटअप रहता है। टेल टाइडी ये रहा, यहाँ पे यूनिवर्सल वाला टेल टाइडी भी आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हो। काफ़ी एक ना छोटा कॉम्पैक्ट और काफ़ी एक स्मार्ट लुक रियर से भी बाइक का आ जाता है, अभी वहाँ से अपन लोग सही से देख सकते हैं, यहाँ पे ना जगह का इशू है। सो इस टाइप से ये कुछ सीट का लेआउट है। RS 457 की ब्रांडिंग रियर फेयरिंग पे आ जाती है, अप्रीलिया रेसिंग कुछ इस टाइप से ये आपका फ्यूल टैंक पे सेटअप रहेगा। ड्यूल टोन ये आपको दोनों ही कलर ऑप्शन में रहेगा, यानी कि इस वाले में और सिल्वर वाले में, वहाँ पे ये बॉडी कलर ही है ग्राफिक्स के साथ। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, मतलब कैटेगरी के अकॉर्डिंग 13 लीटर 13 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रहेगा। ये आपका फ्यूल कैप की होल पे कवरिंग आ जाता है, प्लस एक ये आपका स्टिकर आ जाएगा अप्रीलिया 54 वर्ल्ड टाइटल्स, प्लस की भी बाइक का देख लेते हैं एक बार ना। सो ये रहा अप्रीलिया RS 457 का की रेगुलर पैटर्न, दोनों ही सेम की इग्निशन आपका फ्यूल टैंक पे यहाँ पे रहेगा। इस बाइक में ना अभी के लिए बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बैटरी वाला बाइक वो रहा, उस वाली बाइक में बैटरी कनेक्टेड है, तो वहाँ पे अपन लोग MID सेटअप भी कवर कर लेंगे। साइड प्रोफाइल बाइक का कुछ इस टाइप से बनता है। सीट हाइट टोटल यहाँ पे मिल जाता है 800 mm का, 800 mm का टोटल सीट हाइट है, प्लस यहाँ पे ना आपका जो फ्रंट सस्पेंशन है ये भी एडजस्टेबल है प्री लोड एडजस्टमेंट के साथ, हार्ड और हाई और लो यहाँ से इसको अपन लोग कर सकते हैं। दोनों ही पे आपको प्रॉपर सेटअप रहेगा, जिसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस में भी डिफरेंस आ जाता है। जो एक स्टैंडर्ड हाइट पे ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 150 mm का, 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। इस टाइप से कुछ फुटपैक्स, रबर कवरिंग ना ही पीछे है ना ही आपका आगे है। फ्रेम भी यहाँ से बाइक का विजिबल ये रहेगा, जिसपे कि कवरिंग एक ना फाइबर वाला पार्ट भी है, तो फ्रेम भी यहाँ से विजिबल है। फ्रेम यहाँ पे मिलता है ड्यूल बीम एल्यूमिनियम फ्रेम। सीट हाइट हो गया, ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, व्हील बेस है 1360 mm का, 1360 mm का टोटल व्हील बेस है। बाइक का टोटल वेट है 175 kg का टोटल वेट रहने वाला है। एक बार अपोजिट साइड कवर कर लेते हैं, फिर अपन लोग आते हैं स्विचेस सेटअप पे। और हाँ, यहाँ पे एडजस्टेबल लीवर भी आपको एसेसरीज मिल जाता है, पार्ट ऑफ एसेसरीज अभी बाइक के साथ। इस टाइप से कुछ आपका क्लच लीवर रहेगा, स्लीपर क्लच यहाँ पे रहता है, ये बार एंड भी मिल जाता है। ये भी चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, वाइब्रेशंस काफ़ी कम फील होते हैं इसकी वजह से भी। ग्रिप कवर ये रहा, अपोजिट साइड से देखते हैं तो क्विक शिफ्टर भी यहाँ पे मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल है ही स्लीपर क्लच में, आप लोगों को बता ही चुका हूँ। राइड बाय वायर भी है, प्लस लैप टाइमर मोड भी है, और राइडिंग मोड्स या फिर ABS मोड्स भी इसको अपन कंसीडर कर सकते हैं। तो क्विक शिफ्टर का असेंबली ये रहा पूरा, इंजन भी यहाँ से विजिबल है, स्पॉकेट का साइज़ ये आप लोग देख सकते हो, वही सेम फुटपैक्स, साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ, सेंटर स्टैंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग नहीं है, ये RS वाली कैटेगरी है भैया। ये रहे दोनों ही कलर अपने सिंगल फ्रेम में, यहाँ पे भी वही सेम स्टिकरिंग है, यहाँ भी आ जाता है कुछ इस टाइप से टायर का पैटर्न, जो कि अपना कवर हो ही चुका है। अब आते हैं स्विचेस सेटअप पे और MID सेटअप पे, तो कुछ इस टाइप से ये एक अपने 5 inches का कलर TFT स्क्रीन सेटअप मिल जाता है। हैंडल बार पे अप्रीलिया का प्रॉपर मार्किंग है, क्लिप ऑन हैंडल बार, सस्पेंशन एडजस्टेबल वो आप लोगों को बता ही चुका हूँ। यहाँ जाता है अपना 3-in-1 स्विच, हाई बीम लो बीम प्लस पास इस टाइप से। स्लीपर क्लच है, क्लच का फील नेक्स्ट लेवल लाइट यहाँ पे मिलेगा। ये 4 स्विचेस आपका रहेगा MID से रिलेटेड मोड्स वगैरह चेंज करने के लिए। इंडिकेटर हॉर्न रहेगा, जो कि ड्यूल बजर वाला काफ़ी लाउड हॉर्न भी मिल जाता है। राइट साइड पे यहाँ पे आपका किल स्विच प्लस स्टार्टर है, और ये वाला स्विच है आपका मोड चेंज करने के लिए। तो कुछ इस टाइप से राइडर POV बनेगा, फ्यूल टैंक का जो एक प्रॉपर बाइक पे बैठने के बाद लुक बनता है ना, राइडर POV बनता है, वो फ्यूल टैंक की वजह से भी काफ़ी एक प्रॉपर बिग बाइक वाला आ जाता है। तो कुछ इस टाइप से आपका सारा सेटअप कंप्लीट। अब देख लेते एक बार ना इंजन स्पेसिफिकेशंस, और यहाँ से दिखा देता हूँ आपको ना राइट साइड वाला स्विचेस का सेटअप। तो ये अपना है MID के लिए, और यहाँ पे किल स्विच प्लस स्टार्टर, थ्रॉटल ये रहा राइट बाय वायर के साथ। इस टाइप से कुछ फ्यूल टैंक, ये ग्लॉसी में PPF करवाना रहेगा, बढ़िया गई अभी ना PPF थोड़ा सा ज़्यादा नीडी हो चुका है, मतलब कि PPF आप करवा लेते हो तो आपकी बाइक सेफ रहती है। अब यहाँ पे इस वाले कलर पे ये वाला स्टिकर आपका चेंज है, अप्रीलिया रेसिंग RS। सो यहाँ पे थोड़ा वाइट और एक ये
पर्पल वाला टोन भी स्टिकरिंग में आ जाता है। तो कलर ऑप्शन का कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना है। बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की। सो इंजन यहाँ पे मिल जाता है, जैसा कि बाइक का नाम है, RS 457 सीसी का लिक्विड कूल्ड DOSC 8 वॉल्व टू इन सिलेंडर यहाँ पे इंजन रहेगा। पावर रहने वाला है 47.6 HP का और 43.5 NM का टोटल आपका टॉर्क बाइक में मिल जाता है। तो ये आपका इंजन स्पेसिफिकेशंस भी डन। 47.6 HP और बाइक का टोटल वेट है 175 kg। सो ये आपका ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस डन हो जाती है। कलर ऑप्शन आप लोगों को कौन सा पसंद आया, ये वाला जहाँ पे एक थोड़ा सा कमेलियन है वाइट वाला, या फिर ये मैट ब्लैक वाला। यहाँ पे स्टिकरिंग का सेटअप ना इस बाइक पे, इस कलर ऑप्शन पे काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अभी के लिए इस ये वाला वीडियो आप लोग ये ऑलरेडी देख ही रहे हो, इस कलर का भी वीडियो मैं अभी शूट करने वाला हूँ और इस कलर का भी वीडियो मैं अभी शूट करने वाला हूँ। तो सारे ही कलर ऑप्शन के सेपरेटली वीडियो भी आप लोगों के लिए अपने चैनल पे आने वाले हैं, प्लस राइड रिव्यू भी बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। अब दिखा देता हूँ आप लोगों को करना मैं इग्निशन के साथ क्या कुछ लाइटिंग सेटअप ऑन रहता है। तो इस वाले बाइक पे अपने पास ना बैटरी कनेक्टेड है, ये करते हैं अपन इग्निशन ऑन, यानी कि इग्निशन को ऑन करते हैं। तो ये आपका BRacer एक प्रॉपर MID का स्टार्टअप रहेगा। MID पे आते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं इग्निशन के साथ लाइटिंग सेटअप क्यों ऑन रहेगा इग्निशन के साथ। ये वाला अपना LED DRL वाला पार्ट ऑन है, लुक काफ़ी अच्छा निकल के आता है। इसकी वजह से भी जो अप्रीलिया की बिग बाइक्स आती है ना, उनसे ही इंस्पायर्ड इसका लुक है। टेल लैंप भी देख लेते हैं, तो टेल लैंप अपना इस टाइप से ये ऑन रहेगा। नंबर प्लेट वाला बल्ब भी LED में ही है, LED में ही इंडिकेटर सेटअप भी है। हज़ार्ड यहाँ पे नहीं है, इंडिकेटर ऑन के साथ भी लुक देख लेते हैं। हज़ार्ड नहीं है यार इस बाइक में, मुझे लगा था हज़ार्ड होना चाहिए। इस टाइप से इंडिकेटर रियर का है। फ्रंट का देखते हैं, तो फ्रंट का जी आपका ये रहा इंडिकेटर, उसी पार्ट में इनबिल्ट यानी कि इंटीग्रेटेड इंडिकेटर भी यहाँ पे मिल जाता है। ये वाला पार्ट आपका रहेगा इंडिकेटर वाला पार्ट। तो ये डन हुआ। हॉर्न सुनते हैं, हॉर्न कैसा है, सिंगल बजर ही यहाँ पे हॉर्न भी है। अब देख लेते हैं MID में क्या कुछ अपने को यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो अभी के लिए बाइक यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड शो हो रहा है, ATC यानी कि अप्रेलिया ट्रैक्शन कंट्रोल। ये है नंबर 3 पे, 1, 2, 3 इसके तीन अपने को मोड्स हैं। गियर इंडिकेटर, ये है आपका RPM मीटर, स्पीडोमीटर, ये रहा नीचे फ्यूल गेज है, और ऑडोमीटर सॉरी रेंज भी यहाँ पे शो हो रही है 120 वाला। प्लस इस बाइक में ना कोल्ड स्टार्ट भी आपको शो होगा। और ये चीज़ देख रहे हो, ये जो येलो वाला मार्क है यहाँ पे आ रहा है साइड स्टैंड डाउन की वार्निंग। टेम्परेचर भी है और क्लॉक भी मिल जाती है चेंजेस करने के लिए। ये वाले चारों स्विचेज हैं और ये वाले चारों स्विचेज हैं जिससे आपका MID टॉगल कंप्लीट होने वाला है। तो ये वाला डिटेल भी अपना पार्ट डन। तो इसी के साथ ये हो जाता अपना वीडियो डन। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट में ज़रूर से बताना है। इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही हो तो लाइक भी कर देना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर देना है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से वीडियो को शेयर भी कर देना है। अदर कलर्स का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर से बेल आइकन को ऑल अभी से हो जाना चाहिए। मिलते हैं कल रात 9 बजे अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।